हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो फिर से मैं एक नया जॉब लेके आया हूँ। मैं हर बार एक नया जॉब लेके आता हूँ, तो इसी के तरीके से मैं आज भी एक नया जॉब लेके आया हूँ। तो इस जॉब का जो डिटेल्स है वो है ECIL, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो जॉब आया है यहाँ से, 65 पोस्ट है और BA BTech का डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जॉब का पूरा डिटेल्स मैं डिस्कस करूँगा और कैसे आप अप्लाई करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इस चैनल में नया आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितने सारे नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे डालूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, मतलब हर जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं आज के वीडियो में। आज का जो जॉब का डिटेल्स है वो देखिए। लोकेशन जो है वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है, कोटा में है और भाईजैग में है, बहुत सारी जगह पे है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब है और जो पोस्ट है, तीन पोस्ट है। देखिए, टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है एंड जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, तो इस पूरा पोस्ट का डिटेल्स यहाँ पे मैं एक टेबल दिया हुआ हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। और पूरा पोस्ट का कौन सा पोस्ट के लिए कितना सैलरी है तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसको फॉलो करें और देख ले पूरा पहले, तो उसके बाद अप्लाई करें। तो इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 65। तो 65 जो पोस्ट है यहाँ पे क्राइटेरिया वाइज डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। और परमानेंट जॉब है 19,860 से 23,000 सैलरी है। और एग्ज़ाम के लिए जो फीस है वो आपको देना नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छी बात है। और एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रोसेस है, मतलब आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, देखिए 19 अक्टूबर से शुरू हो गया और 2 नवंबर तक चलेगा। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, टाइम भी ज़्यादा नहीं है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो ये बहुत सारे पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। आप देखिए, आप ITI पास है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है एंड कंप्यूटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो पहले देखिए, वर्चुअल इंटरव्यू होगा, मतलब ऑनलाइन बेसिस इंटरव्यू होगा। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप इंटरव्यू में पास हो गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही हो गया तो आपको जॉब जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द से जल्द जॉब मिलेगा, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। और ये जो अप्लाई प्रोसेसिंग है मैं यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स में दिया हुआ हूँ, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरा जॉब डिटेल्स। और देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई ऑप्शन है, तो इस बटन में क्लिक कर दीजिए, क्लिक हेयर में। तो क्लिक हेयर में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं एक ही बात बताऊंगा कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ हूँ। तो मेन मेन पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। तो कुछ कुछ बातें हैं जो इस क्राइटेरिया के लिए चाहिए, तो आप पहले इसी इसी के लिए आपको पहले पूरा पूरा आपका नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करिए। ठीक है, तो देखिए अप्लाई ऑप्शन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस लिंक पे क्लिक किया हूँ, तो इस विंडो ओपन हो गया। तो जॉब का जो पोर्टल है, उसका जो करियर पोर्टल है, वहाँ से इस आप वेबसाइट में जाकर भी इस साइट को ओपन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिंक दिया हुआ हूँ, आप डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेसिंग डेट है और डेट टाइम है यहाँ पे दिया हुआ है।
तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जब क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर मोबाइल से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप डेस्कटॉप व लैपटॉप इसी के से ही आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो डिटेल्स है आपका ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जो पोस्ट है कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। पहले आप मैं यही बता दिया आपको, जो प्रोसेसिंग है वो आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म फिलअप के लिए आइए। तो जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी का पोस्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले पूरा फॉर्म फिलअप कर दीजिए, फिलअप करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब सब सिर्फ आपका डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, पूरा आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और आपका क्वालिफिकेशन, पूरा डिटेल्स, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस सब पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपको कौन सा लैंग्वेज आता है वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। तो आपके एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस है तो कितने साल के हैं, तो वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। तो कोई पेमेंट प्रोसेस नहीं है, तो सबमिट करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिशन आपका मेल में भेजा जाएगा और आपको एक आईडी दे देंगे, ठीक है। तो फिर से कब कब आपका इंटरव्यू होगा वो आपका नोटिफिकेशन ईमेल में और फ़ोन में भेजेंगे। तो इसी के तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है, और आई होप इस पोस्ट का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए होंगे तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए आप एलिजिबल है तो। और मैं आपको यही बताऊंगा कि जितना जल्दी होए होगा तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब हर फॉर्म में, हर किसी फॉर्म में यही देखना पड़ता है कि जब आप मैं फिलअप करता हूँ तो जब एंडिंग डेट आता है तो तब क्या होता है, थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी तो इस इसके लिए बहुत तकलीफ़ होता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर देंगे तो अच्छा होगा। तो आई होप पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसी के तरीके से मैं फिर से एक नया जॉब लेके आऊँगा, तो तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।